हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो आपका डिवीजन रूल है। देखते हैं डिवीजन रूल में क्या होता है। तो डिवीजन रूल में क्या होता है, दो फंक्शन आपस में डिवीजन में होता है, तो ऑब्वियस बात है आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एफ एक्स बाई जी एक्स है और उसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, बट एंड ऑब्वियस है कि जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी जाकर के एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स डिफाइन होगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ कि कैसे डिवीजन रूल आप अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है y plus sin x by x, जहां पे x नॉट जीरो के है बट एंड ऑब्वियस है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूल क्या कहता है कि जो फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है, सबसे पहले आप उसे स्क्वायर कर दीजिए, यहां पे पहला काम कीजिए। अब ऊपर क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर को बाहर रखिए हमेशा, और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब sin x को डिफरेंशिएट किया, फिर बीच में हमेशा माइनस साइन लगाना है। फिर आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको बाहर रखेंगे, और डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन एक्स है यहां पे, एक्स यहां पे है, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा सबसे पहला काम, राइट। अब देखिए, अब लगा दीजिए, अब जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे कॉस एक्स आ जाएगा, तो कॉस एक्स आ गया, एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर साइन एक्स, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, तो sin x into 1 will give sin x, तो यहां पे sin x आ गया। इसका मतलब y plus sin x by x का डिफरेंशिएशन हो गया x cos x minus sin x by x square। तो इस तरीके से यहां पे dy by dx निकाला जाएगा जब y यहां पे sin x by x होगा, राइट। तो इसी तरह से कई और फंक्शन है जो आपके पास, जो भी बुक्स है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए, कोई और बुक आपके पास है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में या बोर्ड के लिए क्लास 11 एंड 12 के लिए जो आपने बुक लगा रखी है, जो आपको टेक्स्ट बुक रेफर करी हुई होगी, तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे डिवीजन रूल पे, तो बिल्कुल यही रूल आपको अप्लाई करना है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, राइट। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या और कैसे कर सकते हैं, मतलब करेंगे तो यही, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई कि डिवीजन रूल की एप्लीकेशन के ऊपर, और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे y इक्वल टू cos x बाय 1 प्लस sin x है, राइट, एंड बट एंड ऑब्वियस है कि 1 प्लस sin x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमें dy बाय dx निकालना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, तो सेम डिवीजन रूल अप्लाई होगा, हम लोग न्यूमरेटर वाले फंक्शन को, ये हो गया आपका न्यूमरेटर का फंक्शन, और ये हो गया डिनोमिनेटर का फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मैंने स्क्वायर कर दिया, मतलब 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर हो गया, बेसिक बात है। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, आपका 1 प्लस sin x को बाहर रखा गया, जो आपका डिनोमिनेटर फंक्शन है, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है cos x उसे डिफरेंशिएट कर दिया गया, तो ये लिख दिया। बीच में क्या लगाएंगे बताइए, माइनस साइन, रूल यही कहता है। फिर इसके बाद अब करना क्या है कि cos x मतलब न्यूमरेटर वाले फंक्शन को बाहर रखना है, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बस ये कर दिया हमने। अब आगे बस डिफरेंशिएशन का काम रह जाता है, रूल तो अप्लाई हो गई। अब देखिए यहां पे 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, 1 प्लस sin x यहां रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या है, याद कीजिए माइनस साइन एक्स है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस यहां पे तो यहां ही माइनस आएगा, cos x यहां पे तो यहां भी cos x आएगा। अब 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, याद कीजिए कौन सा रूल, सम रूल अब यहां लगेगा, 1 प्लस साइन एक्स के डिफरेंशिएशन में हम लोग सम रूल अप्लाई करेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सम में, पहले 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब वन कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसका तो वन प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सिंपली कॉस एक्स। समझ आ गई होगी बात मेरे ख्याल से, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इस तरह से 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स हो गया, तो यहां पर हमने कॉस एक्स लिख दिया। अब बस या यहां पे भी आप छोड़ सकते हैं, आ चुका है डिफरेंशिएशन, बट सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कर लेते हैं। माइनस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस रहेगा यहां पे, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स विल गिव कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, बहुत सिंपल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वो कैसे, देखिए यहां भी माइनस है, यहां ही माइनस है, तो माइनस क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि एक आइडेंटिटी होती है सिंपली 1 के इक्वल।
इसका ये पूरा कितना हो जाएगा, सोचिए आप, माइनस साइन एक्स माइनस वन, फिर उसमें सब माइनस बाहर निकाल लीजिए तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वन, इसका मतलब ये पूरा का पूरा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वन बन जाएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये लिख दिया गया माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर भी वन प्लस साइन एक्स है, नीचे वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे वन प्लस साइन एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा जो रह जाएगा वो माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से y इक्वल टू cos x by 1 plus sin x का डिफरेंशिएशन फाइनली हमारे पास सिंपलीफिकेशन के बाद माइनस 1 डिवाइडेड 1 plus sin x आएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात कि आखिर कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ऐसे फंक्शन को जब दो फंक्शन आपस में डिवीजन में है, राइट। अब यहाँ पे 1 plus sin x को डिफरेंशिएट करने वक्त हमने सम रूल भी यूज किया, तो कई दफे प्रॉब्लम में क्या होगा कि हो सकता है कि प्रोडक्ट रूल भी यूज हो रहा हो, डिवीजन रूल भी यूज हो रहा हो, आपका सम रूल भी यूज हो रहा हो, एक साथ तीनों रूल यूज हो रहा हो, और तब उसके बाद डिफरेंशिएशन हो रही हो। जैसे यहां पे देखा जाए तो डिवीजन रूल और सम रूल दोनों यूज हो रहा है, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है कि यदि कोई भी फंक्शन किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो और हमें डिफरेंशिएट करना पड़े तो रूल ये कहता है कि कांस्टेंट फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन के बाहर कर दीजिए और जो आपका वेरिएबल फंक्शन है उसको केवल आप डिफरेंशिएट कीजिए। लाइक वाई इक्वल टू फाइव साइन एक्स, अब मुझे डीवाई बाई डीएक्स निकालना है, समझिए बात को, वाई इक्वल टू फाइव इंटू साइन एक्स है उसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा फाइव को बाहर निकाल लूंगा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा केवल, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या हो गया डीवाई बाई डीएक्स फाइव कॉस एक्स, y इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट करना है तो 5 बाहर निकाल लीजिए। अब वेरिएबल फंक्शन जो x स्क्वायर है उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 5 इंटू 2x कितना हो गया डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर का 10x आ गया, बहुत आसान सी बात है। अब बताइए रूल आया कैसे है, सोचिए आप, ये रूल एक्चुअली प्रोडक्ट रूल का एक्सटेंशन है, मैं करके भी दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट, वो मैं पूरा वर्किंग करके दिखा देता हूं। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक प्रॉब्लम कि y इक्वल टू 5x स्क्वायर होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो रूल मैंने आपको वर्बली समझाया था, तो मैं लिख के भी रखा हुआ हूं और उसको हम लोग समझ लेते हैं अब। तो देखिए यहां पे फंक्शन है y इक्वल टू 5x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो वी हैव टू अप्लाई व्हिच रूल, प्रोडक्ट रूल। तो क्या किया यहां पे कि 5 को dy by dx निकाल रहे हैं तो 5 को बाहर रखा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस लगाया, अब x स्क्वायर को बाहर रखा, 5 को डिफरेंशिएट किया, जो प्रोडक्ट रूल कहता है। बताइए 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, जीरो हो गया, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x, तो ये हो गया 5 into 2x, 5 into 2x equal to 10x। अब बात ये है कि जब ऐसा आ जाए तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, इतना रूल लगाने की, अब डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, यदि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल फंक्शन से मल्टीप्लाइड है करेंगे क्या, उस कांस्टेंट फंक्शन को बाहर रख दीजिए और वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब डायरेक्टली आप करेंगे y को 5x स्क्वायर है तो dy by dx will be equal to 5 को बाहर रखा, सिंपली x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, जिसका होता है डिफरेंशिएशन क्या 2x, तो 5 into 2x which will give 10x डायरेक्टली, राइट। तो इस तरीके से जितने रूल्स थे बहुत ही फंडामेंटल रूल्स हैं ये, बहुत ही फंडामेंटल रूल्स, तो मैंने आपको समझा दिया, वो इलुस्ट्रेट कर दिया कि कैसे अप्लाई करा जाएगा। अब हम लोग कुछ अगले सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे जिसमें कि आपका क्या होगा कि डिवीजन रूल भी लग सकता है, प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है, तो एक साथ जो कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएंगे तो वैसे कुछ प्रॉब्लम को देख लेंगे, राइट। तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको इन सारे रूल के ऊपर अच्छी खासी जो है आपकी एक पकड़ हो जाए, मतलब उसके ऊपर एक अच्छा कमांड हो जाए, और आप इसके बाद जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है वो कीजिए घर पे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। इसके बाद फिर हम लोग काफी काफी इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और उसका एक्सटेंशन, उसी को लेकर के हम लोग बना देते हैं चेन रूल, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब जैसा कि अभी डिस्कस करा गया था कि भाई कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं जहां पे आपका हो सकता है कि डिवीजन रूल भी हो यूज, सम रूल भी यूज हो जाए, साथ में प्रोडक्ट रूल भी यूज हो जाए, तो एक ऐसा मैंने प्रॉब्लम लिया है जिसमें कि आपका डिवीजन रूल और सम रूल दोनों यूज हो सकता है, साथ में ये भी यूज होगा कि भाई कि जो अभी हमने डिस्कस किया, यदि कोई फंक्शन किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो तो कॉन्स्टेंट को बाहर कीजिए और जो वेरिएबल फंक्शन है उसे बस डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखते हैं ये एग्जांपल, देखिए यहां पे क्या है, y इक्वल टू 4x बाय 4x
प्लस 5 साइन एक्स बाई 3x प्लस 7 कॉस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, करना है हमें। अब देखिए सोचिए, यहां पे दो फंक्शन का डिवीजन है तो ऑब्वियस बात है डिवीजन रूल लगनी है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। यदि इसको डिफरेंशिएट करना है तो अब dy बाई dx लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल। तो dy बाई dx डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, तो 3x प्लस 7 cos x ये आपका डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है, तो इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा जैसा रूल कहता है। इसके बाद आगे रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो 3x प्लस 7 cos x है वो बाहर रहेगा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फिर यहां क्या लगाइएगा, ये क्या लगाइएगा, माइनस साइन, यही तो है। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्या कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको बाहर रखा और जो 3x plus 7 cos x है उसको डिफरेंशिएट करना है, बेसिक बात यहां पे, राइट। तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो देखिए अब यहां पे 3x plus 7 cos x एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैंने अलग से लिख रखा है बट मैं पहले ऑरली बता देता हूं आपको। इसको ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए आप पहले सम रूल लगाइएगा, पहले 4x को डिफरेंशिएट करेंगे फिर प्लस 5 sin x को डिफरेंशिएट करेंगे जैसा कि यहां पे है। अब 4x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 5 बाहर आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो क्या डिफरेंशिएशन हो गया 4 प्लस 5 cos x, इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन होगी सिंपल सी बात है 4 प्लस 5 cos x, राइट। तो इसको मैंने ऐसे यहां पे देखिए डिटेल में मैंने लिख भी दिया है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले सम रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दिया। अब जो वो हमने रूल डिस्कस कर रखा था कि भाई यदि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड वेरिएबल से तो उसको बाहर कर दिया गया, केवल x को डिफरेंशिएट किया और x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब आपको तो दिमाग में जा चुकी होगी बात, प्लस 5 बाहर रहा sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन 4 प्लस 5 cos x, बहुत ही सिंपल। फिर उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके तो ये आ गया आपका, फिर माइनस साइन या माइनस साइन आ गया, 4x plus 5 sin x एज इट इज रह जाएगा। अब 3x plus 7 cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको भी ओरली सोचिए सम रूल, तो 3x को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 7 cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस 7 बाहर रहा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो 3 माइनस 7 साइन एक्स, तो 3 माइनस 7 साइन एक्स, समझ गए होंगे बात, तो ये हो गया लिख गया 3 माइनस 7 साइन एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन यहां रख दी गई है और ये एज इट इज आ गया। तो इसकी पूरी जो डिफरेंशिएशन है जो मतलब करके जो सिंप्लीफिकेशन करके ये आपका फाइनली डिफरेंशिएट ऑपरेशन करने के बाद ये आपका फाइनल आ गया। ये नीचे मैंने जो लिख रखा है वो इसका डिफरेंशिएशन डिटेल में दिखा रखा हूं मैं, तो इस तरीके से इसका डिफरेंस हो जाएगा। अब बात आती क्या है कि इसको आप चाहे तो पूरा ओपन कर दीजिए ऊपर और उसको सिंप्लीफाई कीजिए, वो तो बाद की डिफरेंशिएशन हो चुकी है, अब ये सिंप्लीफिकेशन के ऊपर रहेगा, तो जो कि मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, आप खुद उसे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, अब फिर ओपन करने का पूरा सिंप्लीफाई कीजिए जितना हो सके, और अदरवाइज आप यहीं छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन यदि करने के लिए बोला गया तो आपने कर तो दिया अब इसे, हाँ यदि जो प्रूफ करने वाला आ जाता है कि भाई कि dy dx इतना प्रूफ कीजिए, कोई एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता तब तो इसको पूरा ओपन करके फिर हम लोग उसे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो प्रूफ करने दिया गया वो लेके आते, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने जो है इस प्रॉब्लम बताइए क्या क्या यूज हुआ, सोचिए आप डिविजन रूल, सम रूल, और फिर वही वाला प्रोडक्ट रूल वाला कि कोई फंक्शन वेरिएबल फंक्शन किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाइड है। तो इस तरीके से ऐसे कई प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, उनको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सके। मैंने तो आपको समझा दिया कि कैसे पूरा ऑपरेशन होता है, अब उसके ऊपर प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो फिर और आपके जो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड काफी अच्छी बनेगी, अप्रोच के ऊपर कमांड काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा मैथमेटिक्स में। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में या इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा आप वर्किंग करते हैं उतना बेटर आपका वो सब्जेक्ट होता चला जाता है, राइट। तो इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। अब हम लोग अगले सेशन में जो बात करेंगे वो हमारा यहाँ पे रहेगा कि भाई कि मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात होगी कि डिफरेंशिएशन यूजिंग द मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन एंड उसी का एक्सटेंशन होता है चेन रूल, राइट। तो उसके ऊपर बात करते हैं।